तो दोस्तों अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और पेटीएम एप्लीकेशन में अगर आपने वहां पे अपना डेबिट कार्ड डाला हुआ है या अपने यूपीआई आईडी डाला हुआ है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यहां पे अपने डेबिट कार्ड के डिटेल या यूपीआई आईडी के डिटेल को कैसे वहां पे रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन में अपने डेबिट कार्ड का डिटेल डिलीट करने के लिए या यूपीआई आईडी का डिटेल डिलीट करने के लिए सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर ले और ओपन करने के बाद लॉगिन के प्रोसेस को यहां पे कंप्लीट कर ले। मैंने यहां पे लॉगिन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है और मेरा यहां पे लॉगिन हो चुका है। ऊपर में आपको प्रोफाइल जो मिल रहा है उस प्रोफाइल पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस आपको मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करते चले जाना है और स्क्रॉल करने के दौरान आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट सेटिंग का। फर्स्ट में ही ये ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट सेटिंग का, तो इस पेमेंट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेमेंट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे आपको मिल जाएंगे। आप अगर यहाँ पे पेमेंट वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और पेमेंट लिमिट में जाते हैं तो कहीं पे भी आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का या यूपीआई आईडी का डिटेल नहीं मिलेगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी नहीं मिलेगा। तो ये डिटेल आपको मिलने वाला है सेव कार्ड वाले ऑप्शन में। ये सेव कार्ड वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको डेबिट कार्ड का डिटेल मिल जाएगा जो आपने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर यूपीआई आईडी यूज़ किया है तो वो भी आपको ऊपर में ही दिखेगा। इस पर जैसे आप टैप करते हैं तो देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे डिलीट का जो ऑप्शन आएगा, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट यहाँ पे स्वैप करते तब आपको डिलीट दिखेगा या राइट से लेफ्ट स्वैप कीजिएगा तब आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करके डेबिट कार्ड का डिटेल या यूपीआई आईडी का डिटेल इजी तरीके से यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।